दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSI मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा एक दोस्त है, वो भरा है UPSI का फॉर्म और वो तैयारी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर उसका जो है डिटेल शेयर करूँगा, वो कितना नंबर ला पा रहा है, कितना उसका रैंक आ रहा है, ठीक है। और इस बारे में जानेंगे कि उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कट ऑफ पार करने के लिए एक नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए। तो क्या वो उसका नंबर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, और किस सेक्शन में कितना नंबर आ रहा है उसका, और कितना उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि इस चैनल पर UPSI और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके स्ट्रेटजी, इन सब के बारे में जो है वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 400 में से उसका 250 नंबर आया है, यानी 250, ठीक। और रैंक कितनी आई है, 7551। और कितने बच्चे पेपर दिए थे, 27339 में से 7500 रैंक आई है 250 नंबर पे। ये तो हो गया इनका रैंक और नंबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है आगे। तो आप देख ही सकते हैं इनका रैंक 7551 है, इनके नंबर जो मॉक टेस्ट में 250 हैं 400 में से, ठीक है। एक्यूरेसी है इनकी 74.63, यानी कि 75 मान लीजिए, 75% एक्यूरेसी है। ये 160 में से 134 ही अटैम्प्ट किए थे। आज जैसा कि आपको पता है कि कितना अटैम्प्ट करना है, 160 क्वेश्चन पूरे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इनको जो आता था, जिसमें इनको संभावना थी कि सही होगा, वही इन्होंने अटैम्प्ट किया है, बाकी इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है। और परसेंटाइल देखिए 72.39, ये ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप 85 प्लस या फिर 90 प्लस, अगर मान लीजिए 90 प्लस के पार अगर आपके परसेंटाइल है तो आप अच्छा मान सकते हैं उसको। तो अब हम जान लेते हैं इनका सब्जेक्ट वाइज कि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कितना कितना अटैम्प्ट किया था। देखिए इन्होंने हिंदी में क्या किया था, 40 में से 4 छोड़ दिए थे, 11 गलत हो गया इनका, और 25 जो है सही था, यानी हिंदी में 25 सही किए इन्होंने। GS में 20, जो पॉलिटी मूल विधि है और वगैरह है ना, इन सब में जो है इन्होंने 20 सही किया है, 8 इनके गलत हो गए हैं, और इन्होंने 12 को तो छुआ ही नहीं है। अगर इसमें मारते भी तुक्का तो मान लीजिए 1-2 सही हो जाते और, है ना। इसके बाद मैथ में इनका 28 सही है। इसके बाद रीजनिंग में इनका 27 सही है, ठीक है। इस प्रकार इनका जो है सही है 25, 20, 28 और 27। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 100 प्रश्न इनके सही हैं, टोटल 100 क्वेश्चन सही हैं। तो अभी इनको जो है मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन और बढ़ाना है, क्योंकि अगर इतना बढ़ जाता है तो इसके बाद इनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ पर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, लेकिन संभावना हो जाएगी अगर इनका 10 क्वेश्चन और बढ़ जाता है तो। अब इनके मार्क्स देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। हिंदी में आया है 62.5, मैथ GS में आया 50 नंबर, मैथ में आया 70 नंबर, और रीजनिंग में आया 67.5 नंबर। सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर, हिंदी और रीजनिंग में 62 और 67, और GS में 50 नंबर। इनका टाइम देख लेते हैं, कितना टाइम इन्होंने किस सेक्शन को दिया है। हिंदी में दिया है इन्होंने 12 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट इन्होंने GS को दिया है, और 50 मिनट इन्होंने मैथ को दिया है, और 43 मिनट रीजनिंग को। तो इन्होंने इस प्रकार टाइम को डिवाइड किया था। हिंदी और GS को क्या कर सकते हैं आप, 25 मिनट में ख़त्म कीजिए इसको, अब बाकी का टाइम इन दोनों को दीजिए, क्योंकि ये मैथ तो टाइम लेगा ही और रीजनिंग भी थोड़ा लेंदी पूछा जाता है, तो आप सरल आएगा लेकिन लेंदी रहेगा, मतलब आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए। तो अगर आप 25 मिनट में इसको कर लेते हैं तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ये तो हो गया था उनका कि 250 नंबर उनके आए थे, 100 प्रश्न सही थे, है ना, और बाकी जो थे गलत थे। तो अब देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 110 प्रश्न तो आपको सही चाहिए ही चाहिए, अगर आप UR से हैं। अगर OBC से हैं तो 2-3 प्रश्न कम कर लीजिए, ST SC से हैं तो 4-5 प्रश्न और कम कर लीजिए, तो इस प्रकार कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो अगर आप 110 प्रश्न सही करते हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये संभावना है ना, कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कन्फर्म कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो पेपर है उस पर डिपेंड करेगा कि अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ क्या पता 100 में ही हो जाए सिलेक्शन, अगर पेपर इजी आता है तो क्या पता 130 क्वेश्चन भी लग जाए सिलेक्शन लेने के लिए। तो इस प्रकार हो सकता है, ये एक अनुमान है। तो
अब देखिए इनको कितने कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, इनको जो है हिंदी में तो मान के चलिए 30 नंबर में इनका काम चल जाएगा, अगर आप जीएस में देखते हैं तो जीएस में इनका कितना सही था 20, तो उससे भी इनका काम हो जाएगा, है ना, जीएस में 20 सही है चल जाएगा। अब बचा रीजनिंग और मैथ, तो रीजनिंग और मैथ में भी इनको जो है 30-30 करने ही पड़ेंगे, अगर आप रीजनिंग और मैथ में 30-30 करते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 110 क्वेश्चन और आप जो है सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने नंबर बढ़ा सकते हैं आप, और प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए ये जो मॉक टेस्ट था ये टेक्स्ट बुक का था, किसका, टेक्स्ट बुक का। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट देता है, आप यहाँ से जो है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर 299 रुपये का MRP है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 9OKQ1Q, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको जो है इसमें 30% का ऑफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट खरीद के टेस्ट दे सकते हैं। ध्यान दीजिए जो मैं टेस्ट दिखाया हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर है, UPSI का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016-17 वाला था, 2017 वाला वो पेपर है, ठीक है, उसी पेपर में इनका इतना नंबर था, तो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।